मध्य प्रदेश के इंदौर के राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज सुसाइड मामले में जिला न्यायालय में लगातार बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भय्यू महाराज के बचपन के मित्र मनोहर सोनी के बयान दर्ज किए गए, सेवादार सहित भय्यू महाराज से जुड़े लोगों से जानकारी ली गई। हम आपको बता दें कि इंदौर में राष्ट्रीय संत और आध्यात्मिक गुरु भय्यू महाराज के सुसाइड मामले में लगातार सेवादारों और उनके जुड़े लोगों के लिए न्यायालय में बयान दर्ज कराए जा रहे हैं ताकि भय्यू महाराज के सुसाइड के जुड़े मामले खुलासा किया जा सके। इसी को लेकर भय्यू महाराज के साथ रहने वाले और उनके साथ 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले मनोहर सोनी ने जिला कोर्ट में उपस्थित होकर अभिवक्ता के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने मीडिया से चर्चा कर बताया कि मनोहर ने कबूल किया है कि भय्यू महाराज और उनकी पत्नी ने आए दिन छोटे झगड़े होते थे, लेकिन इतना बड़ा कोई विवाद नहीं था। वहीं भय्यू महाराज की बेटी कुहू अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाली थी, इसी की तैयारी में चल रही थी। वहीं कुछ अन्य प्रश्नों पर मनोहर सोनी पूरी तरह चुप्पी साध ली। फिलहाल आने वाले दिनों में न्यायालय में लगातार पेशी होना है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। परीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि किसी भी सेवादार थे, आरोपी सहित सभी विश्वास पात्र थे। मैंने किसी का भी नाम किसी भी षडयंत्र रूप में नहीं लिया है। मेरे सामने कोई भी ऐसी कोई बातें नहीं हुई जिसको मैं बता सकूँ विशेष रूप से। वो सभी विश्वास पात्र थे। न्याय के बारे में बोला कि बहुत विश्वास पात्र आदमी था और कू वगैरह का जो भी डिसीजन रहता था तो उससे पूछा जाता था। और मृत्यु की पूर्व 2-2.5 महीने पूर्व पुणे तैयारी के लिए जो विदेश जाना चाह रही थी कू, उसके लिए वो 2-2.5 महीने से वहाँ पुणे में ही था, आना जाना करता रहता था महाराज के साथ। और आयुषी जो पत्नी है उनके बारे में कुछ जिक्र करा? हाँ, वो सामान्य झगड़ों के बारे में बताया, बाकी बातों पर तो वो खामोश हो गया है। बाकी बस ये सामान्य झगड़े होते रहते थे उनके बीच में। कुछ दवाई गोली होते थे किसी बात पे, बोले किसी भी बात पे झगड़ा हो जाते थे, सामान्य झगड़े रहते थे, ज़्यादा बड़े चढ़ा के नहीं बताया। कुछ दवाई गोली से लेके संबंधित भी सवाल उठाए गए थे, समय के और क्राउडिंग भी बातचीत हुई है। हाँ, महाराज की दो सेवादार थे, एक त्रिवेद घाटगे और योगेश चौहान, ये 24 घंटे के सेवादार थे। और ये दवाई देना, उनका कपड़े वगैरह का काम, सारा काम इन दोनों के द्वारा ही किया जाता था। स्वीकार और किस तरह की कोई अलग से जानकारी दिया इस तरह के कोविड के बारे में? आयुष के बारे में कुछ नहीं, और आयुष के बारे में सामान्य तो पूछा ही नहीं हम लोगों ने, उसमें कोई जानकारी भी नहीं। आपका नाम? आशीष चोर है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।